मैं हूँ यहाँ पे और सीमा है और साथ में हमारा बच्चा संभो। सीमा है ना, सब बोल रहे भैया सीमा की तरह कहीं से लग रहा है कि हॉस्पिटल में होंगे ये। टाइम हो गया दोस्तों 4:15 बज रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ से छोड़ा था ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और सीमा जैसे बताया था लास्ट वाली ब्लॉग में कि सीमा चली गई है अंदर, तो वही अभी हम सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब कोई बाहर आएगा और हमें गुड न्यूज़ देगा। तो वही सब हम गर्मा दिवेदी पापा का अपना भजन चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे है मेरे साथ सचिन। 6 महीने पहले की बात है जब मैं सचिन के साथ में खड़ा हुआ था, हम सब लोग ऐसे ही खड़े हो रखे थे और वेट कर रहे थे जब अंजलि गई थी अंदर ओटी में। तो और सेम यही दिन था, यानी कि नवरात्र का था, नवरात्र का पहला दिन आज भी पहला दिन ही है तो ये भी याद रहेगा हमारे लिए। और हमेशा हम तो 3 बार एक्सपीरियंस ले चुके हैं ऐसे खड़े होने का सेम, और ऐसे चौथी बार एक्सपीरियंस ले रहे हैं उस चीज़ का। देखते हैं क्या होता है, तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा बहुत जल्दी। दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को आगे। सबसे अच्छी राय बच्चों की है, इनको मतलब अपने बेफिक्र मस्त है। ये देखो, और ऐसे ही होना चाहिए, यही लाइक होनी चाहिए। कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ जा रही मम्मी को देखने के लिए, मम्मी कहाँ गई हुई है? काशी मम्मी को ढूंढ रही है अपने। आ रही है बच्चा, मम्मी आ रही है अभी। शंभू लेकर आएगी मम्मी, शंभू बच्चा, शंभू आएगा अभी, शंभू ठीक है। तो दोस्तों गुड न्यूज मिल चुकी है और काफ़ी खुशी की बात है कि आज के दिन सेकंड बेबी हमारा हो गया है और कुछ ही पल में बेबी हमारे हाथों में होगा, सबके हाथों में होगा और सब देखेंगे। और बाकी बेबी क्या हुआ है वो बताएंगे आपको आने वाले ब्लॉग में और खुद सीमा बताएगी, तो देखना। जो हमारी एक्साइटमेंट है वो आप लोगों की भी होनी चाहिए भी साथ साथ की। सही बात है बाकी, लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन मतलब एक यादगार बन चुका है कि हाँ नवरात्रों के दिन दोनों दिन बेबी हुआ, तो सही बात की बात है। और बहुत बहुत बधाई हो भाई को, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मम्मी कह रही किसको? नहीं आपको ही बधाई हो एक बार कि आप दोबारा से दादी बन गई है, और अंजलि को बधाई हो कि अंजलि दोबारा चाची बन गई है। 4 बच्चों के पापा को भी पापा दोबारा दादा बन गए एक बार फिर से, एक बार फिर से तो बस दोस्तों अब तो ये इंतजार है कि जो बच्चा होगा वो कैसा देखने में होगा, किसकी शक्ल पे होगा। वैसे तो अभी इतना मालूम नहीं चलता है, वो तो चलेगा 3-4 महीने के बाद मालूम, लेकिन फिर भी कैसा होगा। अभी तक वो जो था वो गर्भ में था और अभी आज गर्भ से बाहर आ गया है, तो कैसे होगा। नहीं नहीं खोली, अरे और भी देखो कुछ वहाँ पे यार, कुछ सारे खोल लो बस, शैप खोल लो। ये बीबी देख, बेबी एक बार तो इधर मेरी शक्ल का नहीं है, इधर भाभी की शक्ल का है। बेबी बेबी संभो, तीन किलो वेट, अरे वाह, सबसे अच्छा इसका है। इन तीनों में से शंभू आ गया, शंभू शंभू का पाके दे, निकाल देख के नहीं अभी निकाल, निकाल देख के पता चल रहा है कि 3 किलो वेट है। अच्छा अच्छा वेट है, मैडम बोल रही देखो कितना वो कर रही है, वो कितना दूध मांग रही है और कितना वो कर रही है, और बेबी दूध मांग रहा है, बहुत एक्टिव है। सीमा है ना, सेम सब बोल रहे भैया सीमा की तरह सेम सीमा। जिस टाइम पे काशी भी थी ना उस टाइम सब कह रहे थे कि सेम नितिन आ गया, नितिन आ गया, इसको देख के बोल रहे कि सेम काशी वो सीमा आ गई। यहाँ पे अभी जो सिस्टर हैं वो बेबी को अभी दूध का सेवन कर रही हैं। आप इधर आ जाओ। अच्छा मैं इधर आ जाऊँ। मुझे आवाज सीमा पे गई है ना, सबको सीमा पे जा रहा लगता है। अभी मैं और सचिन नीचे आ गए काशी और वैदिक को लेकर, और यहाँ पे वेटिंग मशीन है,
तो दोनों बच्चे जिद करने लग गए, तो बस इसी बहाने वेट मेजरमेंट किया जा रहा है। दोनों ही बच्चों का वेट सेम है। मजे की बात है, दोनों का वजन जो है देख लो सेम है बिल्कुल। तो खुशखबरी मिलने के बाद थोड़ा जूस पी लिया जाए, हाँ, ताकि और वजन बढ़ जाए, क्योंकि थोड़ा 74-75 किलो वजन हो जाए। हाँ, तो जूस पीना बहुत जरूरी है, तो बस यहाँ पर जूस पीने के लिए आ गए हैं बच्चों के साथ में। दोनों को देखो, आगे नहीं पियेंगे कुछ नहीं है। तो बस दोस्तों थोड़ा जूस वूस पीते हैं, और मैंने तो सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया। बच्चों को नीचे से घुमा कर लिया ऊपर, और मुझे लगता है कि सीमा भी अभी आ गई होगी वापस। मम्मी आ गई, चल चल चल, मम्मी आ गई, चल चल चल। ये कंबल और देना, अच्छा इधर रखो। तो अभी सब घर वाले चले गए हैं घर में वापस, और मैं हूँ यहाँ पे, और सीमा है, और साथ में हमारा बच्चा जो कि अभी आराम फरमा रहा है। ठीक है, तो बस मैं भी थोड़ा सा आराम फरमा लेता हूँ और बनाते बात का ब्लॉग। टाइम हो गया दोस्तों 4:15 बज रहे हैं, और सीमा हल्की हल्की रोज में आ रही है, हल्की हल्की जा रही है। सीमा रोज है, हैं कम है अभी, तो वही है जो देते हैं इंजेक्शन बेहोशी वाला, तो उसका असर है अभी, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा अच्छे से एक्टिव होने में, बाकी अपना शंभू लेटा हुआ है। रात का टाइम हो गया दोस्तों, रात का टाइम तो क्या कहूँगा मैं, 8 बज गए, और अभी कल की दिन की याद आ रही कि कल हम कैसे घूम रहे थे। देखा था आपने लास्ट वाले व्लॉग में, मैं और सीमा घूम रहे थे बाहर, मैं कल सीमा को लेकर आया था बाहर गली में जहाँ हम रहते हैं, और देख रहे थे प्लॉट, तो कल के दिन की बहुत याद आ रही है। और कल हम यही बात कर रहे थे कि यार कल ना इस टाइम हम हॉस्पिटल में होंगे, और बेबी के बारे में बात कर रहे होंगे, और वही हो रहा है अभी, तो वही है दिन दिन की बात है। और अभी अच्छी बात यह है कि सीमा भी प्रॉपर होश में आ गई है, थोड़ा थोड़ा नींद आ रही है उसको, लेकिन अच्छे से बात कर रही है अब, तो जब अच्छे से पूरा एक्टिव हो जाएगी तो आप लोगों से ही बात करेगी, है ना, और बताएगी आप लोगों को कि क्या हुआ है अच्छे से। तो फिर बाद में अभी मम्मी भी आने वाली है कुछ देर में काशी को लेकर, क्योंकि ये देखो भैया ये हल्का सा टी 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 कर रही थी, सुबह से सो रही है, जब से मेरे को होता है मैं तो तब से देख ही रही हूँ उसे सोते हुए। सही में ये बार पर टाइम वो नहीं कर रही, जिस टाइम ये दूध भी नहीं मांग रही भाई, दूध भी नहीं मांग रही है। पर ये है कि जो सिस्टर हैं वो दो दो घंटे में आके, ढाई घंटे में आके दूध इसे खुद से पिला देती है। जैसे कि वो है ही ना काशु के साथ मम्मी है, मम्मी वहाँ मैनेज कर रही है, फिर वही है कि यहाँ पे नर्सेस बहुत अच्छी है, अच्छी है, आगे चली जा रही है। और मैंने मम्मी से बात करी अभी, तो मम्मी बोल रही कि हम सभी लोग दोबारा से आ रहे हैं, पहले सुबह आए थे अभी दोबारा आएंगे, तो फिर दिखाते हैं आपको आगे। आ गया काशु, आज काशी बोल रही कि मम्मी नहीं है घर में, ना ही पापा हैं। और बड़ा सब ठीक ठाक आ गए सब, नंदू तो सैलरी आ गई। मिले अपने साथी से, तो अभी तक बेबी लेट रखा था यहाँ पे, शंभू चला गया मैं यहाँ से, चला के यहाँ आ गया वो, देख दादू के हाथ में, वहाँ है शंभू, दादी हाँ दादू के हाथ में। तो जो काशु जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है उसको ना, उसको तो मुझे अटक पड़ गया बेटा, मम्मी को हाव हो रही है, मम्मी को ना यहाँ पे हाव हो रही है, हाव हो रही है, मम्मी को पैर नहीं लगाना, हाँ पापा ले सी। तो काशु को लग रहा है कि मम्मी के पास क्यों नहीं लेट पा रहे हो, और वो मम्मी को बोल रही उठो, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी ऐसे भी लेटी हुई सुबह से, कुछ नहीं बच्चा, मम्मी उठ जाएगी, कल बच्चा उठ जाएगा, कल उठ जाएगी घूमी 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 जाएगा बच्चा, देखो 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 इनका अपना अलग मजा चल रहा है यहाँ पे, कहीं से लग रहा है कि हॉस्पिटल में होंगे ये। सारे पैसे वसूल करेंगे ये। तो अभी काशी ने क्या हुआ, जस्ट अभी शंभू को किस करी और उसको पारी कर रही है, हाँ पारी कर रही है, सला रही है, कह रही सो जा ये एक्सेप्ट कर लिया उसने वो। तो यहाँ पे हमने सब लाइट क्लोज कर दी है ताकि
ये। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग इसी के साथ में एंड करते हैं, और आज का दिन कुकृति फैमिली के लिए काफ़ी अहम दिन था, और बस ईश्वर से कामना यही है कि बच्चा आगे स्वस्थ रहे और मस्त रहे, और आप सभी लोग भी स्वस्थ रहें मस्त रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में, टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, आप सभी की विशेज़ के लिए, आप सभी के कंसर्न के लिए, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।